कि देवेंद्र फडणवीस अब विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके नेतृत्व से महाराष्ट्र को क्या मिलेगा और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र कितना आगे बढ़ेगा, क्या लगता है आपको? देखिए चांदनी जी, सबसे पहले तो दर्शकों का और आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि इतनी तादाद पर हमको ईमेल और एसएमएस और व्हाट्सएप आए, जिससे कि हम पूरे देश की तरफ से, पूरे विश्व की तरफ से जो भविष्यवाणियां सत्य होती हैं उसके लिए आपका धन्यवाद मिलता है। मेरा यहां पर जो आपने सवाल किया है उसका उत्तर बड़ा ही सटीक है कि जब हम देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो 22/7/1970 कुंभ राशि के साथ साथ में अगर हम उनकी कुंडली का अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो आज के दिन उनकी बुध की महादशा चल रही है। बुध उनका चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है और चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ बुध डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेस्टलेसनेस पैदा करता है और उसके बाद में बुध में उनकी गुरु की अंतर्दशा चल रही है। गुरु की अंतर्दशा की वजह से एक बात पक्की है कि उनको ये राजयोग मिला है, क्योंकि बुध उनका बहुत ही अच्छा है मगर गुरु उनका मध्यम है। मगर आज जब हम शपथ विधि की बात करते हैं तो आज के मुहूर्त का भी हमने अध्ययन किया है और इस मुहूर्त में जब हम युति देखते हैं, सूर्य शनि और शुक्र की युति देखते हैं तुला राशि में, तो डेफिनेटली एक रेस्टलेसनेस सी नजर आती है। मगर देवेंद्र फडणवीस की कुंडली का अध्ययन करते हैं, इन दोनों की कंपैटिबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो एक बात पक्की है चांदनी जी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रेस्टलेसनेस जरूर इस भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार को झेलनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी जरूर झेलनी पड़ेगी, ये साफ साफ नजर आता है। ये सरकार जो है अल्पमत की सरकार बन रही है, ये महाराष्ट्र के लिए अच्छे काम करेंगे इस बात में कोई दो राय नहीं, मगर उसके सामने इस वक्त तक जो विरोधी पक्ष है वो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट शिवसेना इस वक्त लग रहा है कि विरोधी पक्ष नेता विरोधी पक्ष हो जाएगी, दूसरा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, तीसरा कहीं ना कहीं कांग्रेस तो बाय डिफॉल्ट विरोधी है। तो इन चीजों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस को या भारतीय जनता पार्टी को आगे आने वाले दिनों में अल्पमत से सबसे पहले बहुमत में आना पड़ेगा, तब जाकर ये सरकार जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी।